तो भारत पेट्रोलियम की फाइनेंशियल ईयर 2023 की थर्ड क्वार्टर की अनऑडिटेड स्टैंडअलोन फाइनेंशियल रिजल्ट आप लोगों के सामने है एंड यहाँ पे जितने भी सारे फिगर्स दिया हुआ है वो सब करोड़ में है। तो गाइस सबसे पहले हम लोग इस कंपनी की इनकम चेक करते हैं। सो दिसंबर 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सिमेटली 133,783.39 करोड़ का इनकम जनरेट किया है और अगर ये सितंबर 2022 की क्वार्टर एंड दिसंबर 2021 की क्वार्टर से कंपेयर किया जाए तो सितंबर 2022 के क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सिमेटली 128,890.09 करोड़ का इनकम जनरेट किया था एंड दिसंबर 2021 की क्वार्टर में अप्रॉक्सिमेटली 118,166.92 करोड़ का इनकम। सो दिसंबर 2022 के क्वार्टर में बीपीसीएल ने बोथ केसेस में मतलब क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे एंड ईयर ऑन ईयर बेसिस पे दोनों के दोनों ही केस में एक बहुत ही बढ़िया पॉजिटिव इनकम ग्रोथ दिखाई है। तो अभी अगर इस कंपनी की एक्सपेंसेस के बारे में बात करें तो दिसंबर 2022 के क्वार्टर में बीपीसीएल ने 131,657.55 करोड़ का खर्चा किया है। सितंबर 2022 के क्वार्टर में इस कंपनी ने अप्रॉक्सिमेटली 129,265.85 करोड़ का खर्चा किया था एंड दिसंबर 2021 के क्वार्टर में अप्रॉक्सिमेटली 114,360.36 करोड़ का खर्चा इस कंपनी ने किया था। तो अभी अगर यहाँ से इन तीनों क्वार्टर्स की प्रॉफिट मार्जिन कैलकुलेट किया जाए तो दिसंबर 2022 की प्रॉफिट मार्जिन निकल के आ रही है 1.59%। सितंबर 2022 के क्वार्टर में इस कंपनी ने जितना इनकम जनरेट किया था उससे ज्यादा इस कंपनी ने खर्चा कर दिया था मतलब यहाँ की प्रॉफिट मार्जिन नेगेटिव में है एंड दिसंबर 2021 की प्रॉफिट मार्जिन निकल के आ रही है 3.22% के आसपास। तो कंपनी की जो प्रॉफिट मार्जिन की ग्रोथ है वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे तो बहुत ही बढ़िया निकल के आ रही है लेकिन अनफॉर्चुनेटली ईयर ऑन ईयर बेसिस की प्रॉफिट मार्जिन ग्रोथ नेगेटिव में निकल के आ रही है। तो अभी अगर इस कंपनी की नेट प्रॉफिट मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बारे में बात करें तो दिसंबर 2022 के क्वार्टर में इस कंपनी ने 1,959.58 करोड़ का प्रॉफिट पोस्ट किया है। सितंबर 2022 के क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सिमेटली 304.17 करोड़ का लॉस पोस्ट किया था एंड दिसंबर 2021 के क्वार्टर में अप्रॉक्सिमेटली 2,828.45 करोड़ का प्रॉफिट इस कंपनी ने पोस्ट किया था। तो इस कंपनी की जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो भी इस कंपनी की प्रॉफिट मार्जिन ग्रोथ की तरह क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे पॉजिटिव में एंड अनफॉर्चुनेटली ईयर ऑन ईयर बेसिस पे नेगेटिव में निकल के आ रही है। और रही बात कंपनी की ईपीएस की मतलब अर्निंग्स पर इक्विटी शेयर की तो दिसंबर 2022 की ईपीएस वैल्यू निकल के आ रही है 9.2 की, सितंबर 2022 की ईपीएस वैल्यू निकल के आ रही है -1.43 की एंड दिसंबर 2021 की ईपीएस वैल्यू निकल के आ रही है 13.28 की। तो कंपनी की जो ईपीएस की ग्रोथ है वो भी कंपनी की प्रॉफिट एंड प्रॉफिट मार्जिन ग्रोथ की तरह क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे पॉजिटिव में एंड ईयर ऑन ईयर बेसिस पे नेगेटिव में निकल के आ रही है। तो अब अगर ओवरऑल देखा जाए तो दिसंबर 2022 के क्वार्टर में कंपनी ने सिर्फ और सिर्फ तीन जगह पे नेगेटिव ग्रोथ दिखाई है एंड वो तीन जगह है ईयर ऑन ईयर बेसिस की प्रॉफिट मार्जिन प्रॉफिट एंड ईपीएस। अभी ये तीन जो ग्रोथ नेगेटिव में है ये तीनों के तीनों ग्रोथ ईयर ऑन ईयर बेसिस के कंपैरिजन के अंदर आ रही है एंड एंड ऑफ द डे ज्यादा प्रायोरिटी दिया जाता है ईयर ऑन ईयर बेसिस के कंपैरिजन को ओवर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस के कंपैरिजन एंड अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे ईयर ऑन ईयर बेसिस के कंपैरिजन के अंदर चार में से तीन ग्रोथ नेगेटिव में निकल के आ रही है। सो एट द एंड ऑफ द डे बीपीसीएल ने स्लाइटली वीक परफॉर्म की है इन दिसंबर 2022 के क्वार्टर। तो गाइस दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, अगले वीडियो में मिलते हैं गाइस। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे सेफ।